आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं माई 11 सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। और इस वीडियो में गाइस मैं बताऊंगा कि माई 11 सर्कल में दोबारा से केवाईसी कैसे कर सकते हैं, यानी माई 11 सर्कल में अगर आपको दोबारा केवाईसी करना है तो गाइस यहां पे माई 11 सर्कल में किस प्रकार से दोबारा केवाईसी कर सकते हैं। क्योंकि गाइस यहां पे कुछ लोगों का गाइस यहां पे मानना होता है कि मैंने गाइस एक पहले से अपने भाई का केवाईसी करके रखा हुआ था, लेकिन अब मुझे अपना केवाईसी करना है, यानी मुझे अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड मुझे डालना है, तो क्या मैं माई 11 सर्कल में दोबारा से केवाईसी कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताऊँगा कि माई 11 सर्कल में आप दोबारा केवाईसी कैसे करेंगे। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको सारा एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा और गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको भी माई 11 सर्कल में दोबारा केवाईसी करना है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को शुरू से अंत देखें, जिसमें कि मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने माई 11 सर्कल एप्लीकेशन ओपन किया। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर में आपको तीन लाइन दिखेगा, इसके ऑप्शन में जाना है। फिर गाइस यहाँ पे दिखेगा अकाउंट डिटेल का ऑप्शन, सिंपल इस पे जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे दिखेगा माई अकाउंट, सिंपल माई अकाउंट पे जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि मेरा गाइस यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरीफाई है, मेरा गाइस यहाँ पे केवाईसी मतलब यहाँ पे मेरा आधार कार्ड वेरीफाई है, मेरा गाइस यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे डाला हुआ है, मेरा गाइस यहाँ पे पैन कार्ड डाला हुआ है, मेरा गाइस यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई, यानी मेरा गाइस यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी हो चुका है। तो अगर जो कुछ लोग जो बोलते हैं मुझे गाइस यहाँ पे मतलब दोबारा केवाईसी करना है, तो मैं उनको बता दूं कि गाइस आप यहाँ पे अपना नंबर को यानी गाइस यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को आप चेंज कर पाएंगे। सिंपल यहाँ पे चेंज नंबर के ऑप्शन में जाएंगे, आप यहाँ पे न्यू नंबर डालेंगे, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, गाइस आपका नंबर चेंज हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी चेंज कर पाएंगे। सिंपल चेंज के ऑप्शन में जाएंगे, नया ईमेल आईडी डालेंगे और आपका भी गाइस यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। लेकिन अब गाइस यहाँ पे अगर आपको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड को चेंज करना है, तो यहाँ पे गाइस आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको गाइस यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन। सिंपल इस पे जाएंगे, इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है राइज ए टिकट। सिंपल इस पे जाकर गाइस यहाँ पे आप माई 11 सर्कल के कस्टमर सपोर्ट से बात करेंगे, उनसे बात करने के बाद बोलेंगे कि मैं अपने केवाईसी को चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपना न्यू आधार नंबर आधार पैन कार्ड डालना चाहता हूँ। तो कंपनी वाले गाइस यहाँ पे खुद बताएंगे कि गाइस आप यहाँ पे अपने केवाईसी को दोबारा से केवाईसी कर पाएंगे या केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो यानी गाइस यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गाइस यहाँ पे कंपनी के कस्टमर केयर से ज़रूर संपर्क करें। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।